की जय। बीजेपी हाय हाय। मोदी सरकार हाय। भारत माता की जय। भारतीय संविधान को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। भारत में लोकतंत्र को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद करो बंद करो बंद करो। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो बंद करो बंद करो। हिंदुस्तान में जमहूरियत का गला घोटना बंद करो बंद करो बंद करो। बीजेपी तुम्हारी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाजपा तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में लोकतंत्र को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो बंद करो बंद करो। भाजपा संविधान का नाम करो। भाजपा तुम्हारी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाजपा तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार हाय हाय। बीजेपी हाय हाय। एनडीए सरकार हाय हाय। हिंदुस्तान की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में संविधान को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। 1949 में हिंदुस्तान ने एक नया संविधान अडॉप्ट किया था जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, सबसे बेहतरीन संविधान है। लेकिन जिस तरीके से इस संविधान का आज के दौर में अपमान किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत द्वारा, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर है। आज एक फास्ट भी हमने रखा हुआ है और अपने रोष का इजहार भी कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप का पुतला भी यहाँ पैंथर्स पार्टी ने जलाया है। देखें मुल्क के अंदर जिस तरीके से एक तानाशाही निज़ाम चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो रियासत कोई भी दूसरी हिंदुस्तान की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को हो, यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिनाई लोगों को किया जा रहा है। अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं है। जो विरोधी पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और विरोधियों को चाहे वो बेगुनाह हो उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है और उनके खिलाफ गलत तरीके से जो है कार्रवाई कोई ना कोई शुरू की जाती है, जो कि सरासर गलत है, जमहूरियत के साथ एक खिलवाड़ है, संविधान का एक मजाक है। और जो तानाशाही मुल्क के अंदर आज की तारीख में चल रही है, जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसका विरोध करती है और आज संविधान दिवस के ऊपर अपना उपवास रखकर अपने विरोध का इजहार भी करती है तानाशाही के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, और संविधान को सही मायने में बहाल करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहती है और राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहती है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हिंदुस्तान में परिवेल करना चाहिए, रूल ऑफ विम के लिए हिंदुस्तान में कोई भी जगह नहीं है। थैंक यू।